बुलेटिन में बात करेंगे 3 बजे की 3 बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर यूपी से आएंगे, जहां आंधी तूफान से तबाही से जुड़ी हुई खबर है। वही सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी खबर है, और जहां पर प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित जिलों का दौरा कर सहायता पहुंचाने का आदेश दिया है। वहीं जो दूसरी बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे की है। सीएम आज तुलसी स्मारक भवन में राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और वही तीसरी बड़ी खबर अलीगढ़ हत्याकांड से जुड़ी हुई है। ट्विंकल की हत्या मामले में अब एसआईटी मामले की जांच। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से। सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको अयोध्या से, जो पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तुलसी स्मारक सदन पहुंचे हैं सीएम, तुलसी स्मारक सदन पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज एक सौगात अयोध्या वासियों को मिलने वाली है, और राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या पहुंच चुके हैं अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक। ये सीधी तस्वीरें, और ये देखिए वो ये तस्वीरें हैं जिसका इंतजार हो रहा था, और ये मूर्ति का अनावरण करने के लिए तैयार सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या से बड़ी खबर, अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अयोध्या तुलसी स्मारक भवन। और ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति का अनावरण कर दिया है। और ये सीधी तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम की मूर्ति का अनावरण कर दिया है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। 7 फुट की ये ऊंची मूर्ति, आदम कद की ये मूर्ति, जिसका अनावरण किया गया है। तुलसी स्मारक सदन पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जो पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, अनावरण कर दिया है मूर्ति का, जिसका इंतजार किया जा रहा था। और ये एक सौगात अयोध्या वासियों को, और राम मंदिर, जिसकी बार बार बात होती है, राम मंदिर तो नहीं, लेकिन आज राम की मूर्ति का अनावरण जरूर हो गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार पर आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ राम की प्रतिमा का अनावरण करते हुए, श्री राम की मूर्ति का अनावरण किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे अयोध्या से। संजीव हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। संजीव, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच कर मूर्ति का अनावरण कर चुके हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल खुशबू, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो इनका कार्यक्रम था पूरा, कि पहले यहाँ पहुंच के मूर्ति का अनावरण करना था, तो अब ये तुलसी स्मारक भवन में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इन्होंने सबसे पहले जो श्री राम की दंड राम की जो प्रतिमा थी उसका अनावरण किया है, और फिर यहाँ पर जो कलाकार है रामलीला के, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे, फिर वहां से सीधे जो जन्मोत्सव स्थल है वहां पर पहुंचेंगे और जन्मोत्सव स्थल का शुभारंभ करेंगे। बिल्कुल, और देखिए जो सौगात दी गई है राम मूर्ति की, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सौगात है संजीव। और हम दर्शकों को सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस प्रकार से अनावरण किया, और उसके बाद लगातार आगे बढ़ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। संजीव जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो मूर्ति है बेहद अहम मानी जा रही है, बेहद खास मानी जा रही है, अयोध्या के लिए एक तोहफा माना जा रहा है, जिससे जो लोग श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर इस मूर्ति का दर्शन करेंगे, और भी जो वहाँ पे कलाएं हैं उसका भी दर्शन करेंगे। और इसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गोपाल दास का जन्मोत्सव समारोह है वहाँ जाएंगे, और फिर एक घंटे आराम करने के बाद जो राम की पैड़ी है, जो और भी कार्य हुए हैं विकास के, उसका जो निरीक्षण करेंगे। जी संजीव, और कहीं ना कहीं देखिए इस मूर्ति का अनावरण हुआ है, आगे सीएम योगी आदित्यनाथ बढ़ रहे हैं। और क्योंकि संजीव देखिए समय कम है और प्रोग्राम बहुत ज्यादा है, इसलिए समय समय पर जल्दी जल्दी सारे कार्यक्रम को करना है सीएम योगी आदित्यनाथ को। संजीव जी बिल्कुल, अगर कार्यक्रमों की बात की जाए तो कई कार्यक्रम आज इनको करने हैं मुख्यमंत्री जी को। संजीव बने रहिए हमारे साथ, अभिषेक पांडे भी जुड़े हुए हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मूर्ति का अनावरण कर दिया है, मंदिर की मांग होती है लेकिन मूर्ति की सौगात तो मिल गई है अयोध्या वासियों को। जी हाँ बिल्कुल, अपने तय समय से थोड़ी देरी से पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और सीधे अयोध्या शोध संस्थान पहुंचे हैं, और वहां पर पहुंचने के साथ ही उन्होंने मंत्रोच्चारण के बीच में भगवान राम की मूर्ति का अनावरण किया है। इस मूर्ति को कर्नाटक से लाया गया था और जो संस्कृति विभाग है उसकी देखरेख में ये पूरा काम हो रहा है। तो ऐसे में इस वक्त भी अयोध्या शोध संस्थान में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उनके साथ धर्मार्थ कार्य मंत्री भी हैं, और अयोध्या का पूरा प्रशासन तंत्र इस वक्त अयोध्या शोध संस्थान में है। इस मूर्ति को लेकर के जिज्ञासा थी सब में, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने इसका अनावरण कर दिया है तो इसको कोई भी देख सकता है, ये लोगों के लिए खुल चुकी है।
जी बिल्कुल। और अभिषेक कहीं ना कहीं अभिषेक अयोध्या में जबकि मामला बहुत गर्म हो चुका है, कल ही हमने शिवसेना की बात भी बताई थी दर्शकों को किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी है, और 15 तारीख को अब उद्धव ठाकरे भी आने वाले हैं, राम मंदिर की मांग को लेकर संत समाज भी परेशान बैठा है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा और इस मूर्ति के अनावरण के क्या मायने निकलेंगे अभिषेक? देखिए अयोध्या में आकर के भगवान राम की बात तो होना ही होना है, कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री के यहाँ आने से राम मंदिर को लेकर के बातें नहीं होंगी। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का जो यहाँ का दौरा है वो राम मंदिर को लेकर के जो लोगों की भावनाएं हैं, साधु संतों की भावनाएं हैं, उससे जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। वहां से थोड़ी देर में महंत नृत्य गोपाल दास जो कि राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं उनके जन्मोत्सव कार्यक्रम में आएंगे, और यहाँ भी आएंगे तो राम मंदिर को लेकर के बातें होंगी। यहाँ भी साधु संतों को बुलाया गया है, तो जाहिर तौर पर एक कदम सरकार की तरफ से डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली परोक्ष रूप से ही अयोध्या में आने से इस बात को पूरा बल मिल रहा है कि राम मंदिर को लेकर के सरकार के मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल। और अभिषेक देखिए ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और क्योंकि अभिषेक बहुत जरूरी है ये, क्योंकि राम मंदिर वो मुद्दा है जो लोगों के जहन से भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अब 2022 सामने, ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो किसी ना किसी तरीके से इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाए, लोगों के पास ये मैसेज जाए कि हम राम मंदिर को लेकर और भगवान राम को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। अभिषेक देखिए आप किसी से भी पूछिए बीजेपी में या फिर किसी भी दल में तो वो इसको धार्मिक आस्था का मुद्दा बनाते हैं, लेकिन अगर धार्मिक आस्था के इस मुद्दे से राजनीतिक तो इससे ग्रेज क्या किसी को। और इसीलिए आप देखिए तीन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र की बात करें शिवसेना वहां पर एक बड़ी भूमिका में है, और अभी पिछले साल भी उद्धव ठाकरे आए थे अयोध्या में, उन्होंने दर्शन किए थे रामलला के, तो जाहिर तौर पर धार्मिक मामला है लेकिन उससे पॉलिटिकल माइलेज मिल सकते हैं, मिलते रहे हैं, और शायद इसीलिए सभी राजनीतिक दलों की दिलचस्पी अयोध्या में रहती है। जी बिल्कुल। और अभिषेक कहीं ना कहीं अयोध्या और राम मंदिर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभिषेक आपसे एक बात ये भी जाननी है कि देखिए जिस प्रकार से काशी की हम बात करते हैं, काशी में भी काफी चीजें हैं, लेकिन जिस प्रकार से काशी का विकास हुआ, अगर बात अयोध्या की उसी तर्ज पर की जाए तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अयोध्या पीछे रह गया, सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा मैटर लोग वहां पर बहुत ज्यादा रुक भी नहीं पाते हैं, तो जरूरत तो इस चीज की भी है अभिषेक कि राम मंदिर के साथ साथ उस अयोध्या का भी विकास किया जाए जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। देखिए ये सवाल बहुत लंबे समय से पूछा जाता था कि आखिर राम मंदिर तो सही अपनी जगह लेकिन अयोध्या के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है, लेकिन ये अगर आप आज के समय में अयोध्या में निकले तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के नाम से कुछ काम जरूर शुरू हुए हैं। आज मुख्यमंत्री आप खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उन कार्यों का निरीक्षण करेंगे, चाहे घाटों का सौंदर्यीकरण हो, इसके अलावा नए जो बस स्टेशन बन रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जो बात की जा रही है, सड़कों की सही करने की बात की जा रही है, सीवरेज सिस्टम की बात की जा रही है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के नाम पे अयोध्या में तमाम काम शुरू हुए हैं। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ये तमाम चीजें दब जाती हैं राम मंदिर के नीचे। शुरुआत में प्राथमिक तौर पर राम मंदिर ही मुद्दा बनता है, बाकी चीजें पीछे रह जाती हैं। ये बात सही है कि काफी वक्त लग गया, ये सब चीजें पहले होनी चाहिए थी जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के जो काम है, लेकिन देर से ही सही कुछ काम जरूर दिख रहा है और उसी काम को देखने मुख्यमंत्री आज अयोध्या में है। बिल्कुल। और अभिषेक कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा जब साल के शुरुआत में एक इंटरव्यू लिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उन्होंने साफ कह दिया था कि हम हर तरीके से संवैधानिक तरीके पर विश्वास करते हैं, हम उसी के तहत आगे बढ़ेंगे, और ऐसे में अब बीजेपी के लिए शायद यही एक मैटर बच जाता है कि वो संवैधानिक चीजों का इंतजार करे लेकिन समय समय पर लोगों को यह एहसास दिलाया जाता रहे कि हम इस मैटर को लेकर सीरियस है, हम भगवान राम को लेकर सीरियस और हम आपकी आस्था के साथ बहुत सीरियस है। 100% यही बात है। हालांकि अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने लिखा था कि हम हर उस संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करेंगे या कोशिश करेंगे जो राम मंदिर निर्माण में सहायक हो, तो आखिर वो प्रक्रिया क्या होगी उसका इंतजार करना होगा। मामला सब ज्यूडिस है, एक मध्यस्थता कमेटी के सामने है, उसी बात का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि इसमें केंद्र सरकार की एक बड़ी भूमिका है, वो भूमिका क्या होगी और कितनी होगी इसी को तलाश किया जा रहा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अभिषेक देखिए जहां इस मूर्ति की कीमत लाखों में बताई जा रही है, वो मूर्ति यहां पर लगी है, कहा जा रहा है एक ही जो पेड़ है उसकी लकड़ी से ये बनाया गया है और इसको लिया गया है यहां पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज तो जरूर दिया है अभिषेक इस मूर्ति का अनावरण करके और इस मूर्ति की सौगात को दे करके। जी हाँ बिल्कुल, एक संदेश, स्पष्ट संदेश जा रहा है कि अयोध्या में मुख्यमंत्री हैं और अयोध्या शोध संस्थान में जाकर के उन्होंने एक
एक विशेष कला की एक मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया है। ये संदेश अपने आप में है कि इससे पहले जहां मुख्यमंत्री अयोध्या से अपने आप को दूर रखते थे या फिर बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये 11वीं बार मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनकी प्राथमिकता किस तरफ शिफ्ट है ये स्पष्ट है और ये संदेश उन्होंने दे दिया है। बिल्कुल। और अभिषेक, कहीं ना कहीं देखिए एक चीज ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये मुद्दा जो है ये पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से चल रहा है, आगे मध्यस्थता कमेटी अब इस पर विचार विमर्श कर रही है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या जा रहे हैं, इस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई उहापोह नहीं है उनके मन में, वो बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट के साथ एकदम क्लियर है, इसलिए तो अयोध्या में बैठे हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, वो अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर है। हालांकि मुझे याद है कि जब बिल्कुल नई सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, उस दौरान भी वो जो पहली बार अयोध्या आए थे तो बहुत सेफ लाइन लेके चल रहे थे, बहुत बच के बोल रहे थे। लेकिन अब क्योंकि उनकी मंशा स्पष्ट हो चुकी है, मामला तब सुप्रीम कोर्ट में है, मध्यस्थता कमेटी के सामने है, बीजेपी का हर नेता खुल के बोल रहा है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में साफ साफ शब्दों में लिखा गया कि हर संभव प्रयास किया जाएगा, तो आखिर इससे बचने की कोशिश क्यों की जाए। और इसीलिए आकर के अयोध्या आकर के मुख्यमंत्री अपने स्पष्ट संदेश देते हैं, उनके यहाँ आने से एक मैसेज जाता है कि मामला भले ही सब्जेक्ट हो लेकिन हम इससे पीछे नहीं है, हम इसमें धीरे धीरे एक एक कदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और अभिषेक, एक सवाल मेरा ये भी है कि देखिए राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसको हर राजनीतिक पार्टी ने समय समय पर अपने लिए उपयोग किया है, आज तक ये मैटर अभी भी चल रहा है सालों से। अब जबकि देखिए लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए, उससे पहले ही कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मोहन भागवत का एक बयान आया था, फिर शिवसेना का बयान है, आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में, मतलब अभिषेक हर पार्टी समय समय पर इस मुद्दे को अपने लिए करने की, अपने तरफ करने की कोशिश और जुगत में जुड़ी रहती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए आप बीते 2.5 सालों में आप बदलाव को महसूस कीजिए, सॉफ्ट हिंदुत्व से कहीं ज्यादा